हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम भगवान सर है और आज मेरा यहाँ पे कोलकाता में लोको पायलट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें सुबह 8:30 बजे की टाइमिंग दी गई थी हमें। और 8:30 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, एग्जैक्ट टाइमिंग पे लगभग वहाँ पे हमको अंदर से इंटर में बुला लिया गया था, जो आरआरबी का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर था उसमें। वहाँ पे एंट्री के बाद हम सबको एक साथ एक रूम में बिठा दिया गया। रूम में बिठाने के बाद में सबको एक एक येलो सीट दी गई साइन करवा के। येलो सीट जो दी गई थी साइन करवा के, उस येलो सीट पे अपना रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, फ़ोटो पहले से ही अवेलेबल था। उस पर डिटेल दी हुई थी, सबसे पहले था बायोमेट्रिक का, उसके बाद में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद में था हैंड राइटिंग का, और उसके बाद में दो ऑप्शन और थे जिसमें आपका ट्रेवल पास भी इंक्लूड था। मैं ST कैंडिडेट हूँ, तो मैं जहाँ जो ST वालों का हुआ उनके बारे में बताऊँ, क्योंकि आज ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो ST कैंडिडेट ही थे यहाँ पे, जिनके आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आपको ये सीट दे दी जाती है, आपको नंबर वाइज जो आपका नंबर है उसके हिसाब से बुलाया जाता है। सबसे पहले हमें एक वाइट बोर्ड दिया गया, उस पर रोल नंबर लिखने थे अपने। रोल नंबर लिखने के बाद एक फ़ोटो हुई उसके साथ, बोर्ड के साथ। उसके फ़ोटो होने के बाद हमारा 1x1 बायोमेट्रिक हुआ, जिसमें हमारे जो पुराने बायो फिंगरप्रिंट थे वो चेक किए गए, क्रॉस चेक किए गए। वो सब करने के बाद में जो था, उसके बाद में हम वापस उसी रूम में ले जाया गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, जहाँ पे ऑफिसर बैठे थे पहले से ही। मैं आपको बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, फोटोकॉपी जिनकी, जेरोक्स, उनको आप ना स्टेपल करके नहीं लेके जाएँ, उनको लूज़ पेपर ही लेके जाएँ, ताकि उससे क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे वो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे मैं क्या कि स्टेपल करके ले गया था उनको, तो वहाँ पे क्या थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बोला कि ये स्टेपल क्यों कर रखा है, इतना सा था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो स्टेपल हटाना पड़ा हमको वापस, और वापस उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे वो मांगते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं लिए उन्होंने, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि 10th का आपका मार्कशीट दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ 10th का। उसको चेक किया, उससे हमारी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म की गई। उसके बाद उन्होंने जो SC ST का सर्टिफिकेट था उसके लिए बोला कि वो सर्टिफिकेट दिखाओ आपका। सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें SC ST वाले कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब जो इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट है वो लगेगा या फिर मतलब हिंदी वाला लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल है और जो फॉर्म में आपने भरा था उस टाइम पे, जब फॉर्म फिल कर रहे थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस टाइम पे जो लगाया था आपने, बस वो यूज़ हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके पास डिग्री है, जो भी ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, उसकी फाइनल जो डिग्री होती है जिसमें सारे सेमेस्टर का नंबर दिया हुआ रहता है वो, और उसके बाद में BTech कैंडिडेट है तो उसको भी वो फाइनल जो डिग्री होती है उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद में प्रोविजनल चेक की गई, जिनके पास प्रोविजनल थी, सॉरी प्रोविजनल के बाद में ओरिजिनल डिग्री चेक की गई। ओरिजिनल डिग्री के लिए उन्होंने बोला जिसके पास अवेलेबल नहीं थी उनसे, मतलब कि एक कागज़ पे एक पेपर था, उस पर उन्होंने पहले मतलब फॉर्मा बना रखा था कि भाई इसमें इस बंदे के पास ये चीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने उस पर साइन करवाए, रोल नंबर वगैरह लिखवाया कि भाई जो ज्वाइनिंग होगी आपकी उससे पहले आपको ये चीज़ सबमिट करानी है। ऐसा कुछ उसमें था। उसके बाद में जैसे ही वो हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको वहाँ से एक अलग रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे मतलब के कंप्यूटर पे और अधिकारी बैठे हुए रहते हैं। वो आपके चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपने अपलोड किए हैं, उन डॉक्यूमेंट में जितना भी मतलब आपका 10th का है, 12th का है, डिग्री है, या फिर जो भी पॉलिटेक्निक किया है आपने, ITI किया है, उन सब के सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक होते हैं। ये सब चेक होने के बाद वहाँ पे हैंड राइटिंग मैचिंग की जाती है, तो उसके लिए आपको एक वो दिया जाएगा, एक पेज दिया जाएगा, उस पर पूरा परफॉर्मा होगा। उसको 3 पैराग्राफ होंगे उसमें, जो आपने शायद CBT 1st, CBT 2nd और साइको के टाइम में भरे थे, फिल किए थे, जो हैंड राइटिंग में अपने लिखा था उसके लिए मांगा जाएगा। तो वो आपको मतलब उस टाइम पे दोबारा से लिखने हैं, और लिखने के बाद उन्हें ले लिया जाएगा। जब वो मैचिंग हो जाता है उसके बाद में आपके एक 24 का एक रिसिप्ट, मतलब कि वो देते हैं आपको, वहाँ पे आपको 24 रुपये पे करने पड़ते हैं। रिसिप्ट देने के बाद आपको फाइनली जब वो कॉलम जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले येलो पेपर देते हैं, जिस पे मतलब कि सारा सब कुछ बायोमेट्रिक वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और पास वगैरह का सब कुछ दिया होता है, उसको वो आपको फाइनली देते हैं। और उसके साथ में एक आपको जो हॉस्पिटल अलॉट किया गया, यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, कोलकाता में 6 हॉस्पिटल अलॉट किए जा रहे हैं, जिनमें से मतलब के जो 2-3 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सबकी जो लिस्ट है वो बाहर लगी हुई है वहाँ पर, जो RRB का ऑफिस है उसके बाहर। एक तो यहाँ पर हावड़ा में है ऑर्थोपेडिक वाला, एक सेंट्रल हॉस्पिटल है जो रेलवे कॉलोनी कोलकाता में है, और उसके अलावा एक है जो अपने यहाँ पे सियालदह जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर निकलते ही BR हॉस्पिटल है।
ये इन सब का है। यहाँ पे मेडिकल का देखो मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल कल होगा तो मैं आपको पूरा डिटेल तो कल ही बता पाऊँगा, लेकिन सुनने में ये आया है कि यहाँ पे जो हो रहा है मेडिकल उसमें मतलब के 2 या 3 दिन का टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही फ्री कर देते हैं जो भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको बीआर हॉस्पिटल की ऐसा है। उसमें सुनने को मिला है कि जो 20 तारीख या 21 तारीख को जिनका मेडिकल था उनको मतलब के दो मतलब के परसों के दिन वो फ्री हुए, मतलब 24 के आसपास, ठीक है। और जो रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, तो उसमें ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आपको वहाँ पे बताएंगे, एक एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उनके ऑफिसर के द्वारा कि भाई आपको ये करना है ये नहीं करना है, जो कुछ वो बोलते हैं वैसे फॉलो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज़ के अंदर। और जब ये सब कुछ पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में जो येलो सीट होती है, येलो पेपर होता है, वो आपको वापस बाद में दे दिया जाता है और उसको आपको गेट पे जमा कराना होता है। और जो आपको हॉस्पिटल के लिए जो मिलता है डिटेल जो मिलती है पेपर मिलता है वो आपको मतलब कि फाइनली वहाँ पे लेके जाना होता है। मैं आपको बता दूं कि स्टाफ की बात, जो यहाँ पे ऑफिसर वगैरह थे और जो स्टाफ था बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, काफ़ी मतलब हेल्पफुल था। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब किसी चीज़ के लिए डांटा जा रहा है या धमकाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा प्यार से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा स्टाफ था। और मैं आपको बताता हूँ जो पेपर जो मेडिकल के लिए मेडिकल हॉस्पिटल जो अलॉट हुआ है उसके लिए कैसा पेपर मिला है, मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ। आपको एक इस टाइप का पेपर दिया जाएगा, ये देख रहे हैं, इसमें मतलब आपकी पूरी डिटेल होगी, जितनी भी है पूरी डिटेल होगी, साइन होंगे अथॉरिटी के द्वारा, 2 आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे इस पे। उसके बाद में आपको जो हॉस्पिटल है, जैसे मेरा हॉस्पिटल है सेंट्रल हॉस्पिटल गार्डन रिच साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो मेरा हॉस्पिटल है, ये आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। और उसके बाद में आपको बोल दिया जाएगा कि भाई जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है इसमें लिखा हुआ होता है रिपोर्टिंग टाइम कि इतने बजे आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये प्रोसेस था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने देखा था वीडियो पे, मैंने खुद ने भी पहले काफ़ी वीडियो सर्च किए यूट्यूब पर उनमें क्या कि जहाँ तक देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये डराने का काम ज़्यादा करते हैं, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही ईजी वे में लेना है आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे डीवी है मेडिकल है उनके लिए, थैंक यू वेरी मच।